Why making summary is important for theory paper? अभी आर्ट ऑफ मेकिंग समरी क्या होता है, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हम समरी बना क्यों रहे हैं। पहले तो हर चीज का एक उद्देश्य पता होना चाहिए। समरी बनाने के दो मेन कारण है। पहला कारण है कि जब हम एग्जाम में जाकर के, मतलब एग्जाम हमें देना होता है, तो अकाउंट्स का एग्जाम और लॉ के एग्जाम के बीच में लगभग हमें 1.5 दिन का एक मोटा माटी अच्छा गैप मिलता है। ठीक है, आप 5 बजे एग्जाम देकर के लौटते हैं, वहां से लेकर के रात नेक्स्ट डे पूरा आपको गया, और उसके ऊपर का जो मॉर्निंग टू आफ्टरनून का टाइम होता है, मैं मॉर्निंग टू आफ्टरनून के टाइम को नहीं गिनता क्योंकि उस समय पर हमारे मन में बहुत हसल चल रही होती है, तो वो टाइम एकदम करेक्ट भी नहीं होता कि आप ओवर इन्फॉर्मेशन डालते जाएं। तो आपके पास एक अच्छा 1.5 दिन का समय रहता है। उस 1.5 दिन में आपको पूरे लॉ को क्या करना है, कवर अप करना है। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर आपने उस 1.5 दिन के अंदर लॉ को कवर नहीं किया, तो आपने ये जो 3 से 4 महीना भी पढ़ा होगा ना, आपके लिए वो वेस्ट है। क्योंकि अगर जो चैप्टर आप उस 1.5 दिन में रिवाइज नहीं करोगे, आपको लगेगा वो चैप्टर मेरे को आता ही नहीं है, जैसे वो 1.5 दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट डेज है। यस, ये मेंटली प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली बच्चा ये सोचता है वो 1.5 दिन में अगर मैंने जो चैप्टर नहीं पढ़ा, मतलब समझो मेरे को आता ही नहीं है वो चैप्टर, मतलब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा मुझे नहीं बनेगा। बच्चा ये मन बना लेता है अपना, तो इसलिए उस 1.5 दिन में कवर टू कवर हर एक चीज आपका पढ़ा होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। नहीं पढ़ोगे तो प्रॉब्लम यही चला जाएगा कि आपको लगेगा कि आपको कुछ आता नहीं है। तो इसके लिए अब आपको अगर मैं अपनी 200-250 पेज की बुक दूंगा और उसे बोलूंगा 1.5 दिन में कवर करो, और सिर्फ लॉ अकेला नहीं है ना, सिर्फ रेगुलर बुक अकेली नहीं है ना, आपके सामने तो क्वेश्चन बैंक भी है। क्वेश्चन बैंक आपकी रेगुलर बुक से मोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है अब आपको क्वेश्चन बैंक भी पढ़ना है, आपको रेगुलर बुक भी पढ़ना है, उसके अलावा इंग्लिश भी है वो भी पढ़ना है, तो 1.5 दिन में आप सब कवर अप नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें क्या बनानी होगी,